हेलो फ्रेंड्स, आज के फटाफट स्टॉक्स, आज जो ट्रेंडिंग स्टॉक है उसे बताऊंगा। उससे पहले जो मार्केट में जो मूड चल रहा है, मार्केट में ऐसा रैली चल रहा है जैसे आपको लग रहा है कि आपका पैसा ख़त्म हो रहा है। लोग बोलते हैं सर आपके जो कॉल हैं, कॉल लेने के लिए पैसा नहीं बचा अभी, तो आप क्या पकड़ोगे क्या छोड़ोगे समझ नहीं आ रहा है। एक स्टॉक है जो कुछ दिनों से जो है वो भागे जा रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, अब लूँ नहीं लूँ क्या करूँ। IRCTC जो है अभी आज भी स्टॉक जो है 7% का रैली दे चुका है। कुछ फ़ोन भी आता है सर बेच दूँ रखूँ, सब कंफ्यूज है क्या करना नहीं करना है। ठीक है, जो रैली पार्टिसिपेट करो आप राइट को रैली को, तो IRCTC आज 7% ऊपर जाके स्टॉक जो है 6300 के आसपास जो है स्टॉक ने ट्रेड कर रहा है। तो इसमें हमने टारगेट अपडेट किया है कि स्टॉक जो है 7000 तक जा सकता है स्टॉक में। तो और कौन कौन सा स्टॉक है जहाँ पे जो है रैली कंटिन्यू कर रही है, एक हमने डिक्शन बताया था, डिक्शन भी जो है कुछ दिनों से बता रहा हूँ स्टॉक को, हमने 5700 रिसेंट में हमने पिंक किया था और स्टॉक जो है 7000 तक हमने टारगेट दिया। अभी स्टॉक 7% ऊपर जाके 6138 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसको हम 4400 से रिकमेंड करते आ रहे हैं। उसके बाद आज IT स्टॉक में काफ़ी रैली थी। आप कोई भी स्टॉक्स ले लो, आप LTA ले लो, LTTS ले लो, ठीक है, एम्फेसिस, सब स्टॉक जो है ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो एम्फेसिस में हमने जो है अभी हमने इसमें जो है ऑलमोस्ट 3890 का टारगेट दिया है, 3360 का स्टॉपस दिया है। LTTS जो 5350 ट्रेड कर रहा है उसमें 6000 का टारगेट दिए हुए हैं, 5000 का स्टॉपस दिया शॉर्ट टर्म के लिए। LTA में जो है 7500 का टारगेट ओपन है और उसमें स्टॉपस 6275 दिया है। अभी स्टॉक चल रहा है 6845 पे। ये कुछ स्टॉक हैं जो ट्रेंडिंग है, तो आप इसमें यदि हैं तो स्टे लॉन्ग। और मुझे लगता है कि नज़ारा भी आज अपर सर्किट में लॉक हो गया। दीपक नटेल जो है अपट्रेंड दिखा रहा है। माइंडट्री भी जो है, माइंडट्री भी ट्रेंडिंग है, माइंडट्री को पहले रिकमेंड किया हुआ है। और जो स्टॉक्स हैं आज, एक जो IEX, इसमें कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस का न्यूज चल रहा है जिसके कारण जो आज स्टॉक वो 17% तक गया था। अभी उसमें भी 1000 रुपये का टारगेट है। TTK प्रेस्टीज जो है वो भी एक ट्रेंडिंग स्टॉक का ब्रेकआउट दिया है। GM फॉडलर जो स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं चार्ट पे, ये सब स्टॉक्स है जो फंडामेंटल अच्छा है। पेज इंडस्ट्री भी ट्रेंडिंग स्टॉक है, उसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। कोफोर्ज, IT के बाद आज जो ले लो, आज सब जो है और कुछ दिनों के लिए स्टॉक चलने वाला, सब ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक। इसके बाद जो है पारस तो ब्रेकआउट दे रहा है। पारस से आप देखो स्टॉक कहाँ 300 स्टार्ट किया था, आज जो है स्टॉक 900 पर ट्रेड कर रहा है, 20% पर सर्किट। क्या चल रहा है लोगों को समझ नहीं आ रहा है। चलिए, इसमें से कौन सा स्टॉक आपने लिया है और कौन सा स्टॉक जो आपको टेम्प्ट करा लेकिन आपने ले नहीं पाया, आप वो भी स्टॉक आप कमेंट में जरूर डालें। ठीक है, और जो लिया है और आपका चल रहा है आप जरूर कमेंट करें, तो हमें समझ में आता है कि आप हमारी NSS हमारे आपके लिए वर्क कर रही है नहीं कर रही है। चलिए, ये हो गया। तो आज जो और क्या जो स्टॉक्स हैं, न्यूजन केमिकल ट्रेंडिंग है, उसके बाद अदानी पावर में, तो अदानी पावर मूवमेंट नहीं है तो वो भी आज चल रहा है स्टॉक। तो काफ़ी स्टॉक्स हमने आपको बताए हैं, तो होप करूँगा कि जो फटाफट स्टॉक है आपके लिए लाइव मार्केट में अच्छा लग रहा हो आपको। अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, एंगेजमेंट बढ़ाएं, फ्रेंड फैमिली को शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।